गर्ल्स पावर लेडीज जिम, जहां कार्डियो वेट मैनेजमेंट, फ्लोर एक्टिविटीज, स्ट्रेंथ और पर्सनल ट्रेनिंग, बेसिक डाइट एंड इंच कार्ड विथ एट्रैक्टिव पैकेज के साथ जिम ट्रेनिंग कोर्स पर 20% ऑफ, स्मार्ट ट्रेनिंग प्लान और फुल बॉडी चेकअप। साथ ही ब्यूटी पार्लर सर्विस और क्लास पर 30% ऑफ। फिटनेस एंड ब्यूटी लवर्स की पहचान है फॉर द बेस्ट रिजल्ट। ज्वाइन गर्ल्स पावर, बी फिट बी फैबुलस। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ड्रग्स मामले को लेकर आज शानू पठान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बीजेपी पर निशाना साधते हुए बताया कि जिन चैनलों पर उनके बारे में खबर दिखाई गई है उन चैनलों को नोटिस भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि मुंब्रा से गिरफ्तार ड्रग्स मामले में सलमान फालके के साथ विधायक जितेंद्र भाट और शानू पठान और सुप्रिया सूले के साथ में सलमान फालके की तस्वीर को दिखाते हुए शिवसेना सचिव और प्रवक्ता मनीषा कायंदे ने सवाल खड़े किए और स्पष्टीकरण मांगा। नासिक में ललित पाटिल ड्रग्स मामले में जांच के दौरान करीब 7 से 8 नाम सामने आए थे, जिसमें मुंब्रा के सलमान फालके का भी नाम था और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर 54 ग्राम MD इसके पास से बरामद किया है। और आपको बता दें कि मनीषा कायंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल उठाते हुए कहा कि सलमान फालके जिसके पास से MD बरामद की गई है उसके साथ विधायक जितेंद्र अवार्ड और शानू पठान और सुप्रिया सूले की तस्वीर कैसे है, सलमान फालके के साथ इनका क्या संबंध है, इसका स्पष्टीकरण मांगा था। इसी मामले को लेकर अब शानू पठान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। क्या कुछ शानू पठान ने कहा है आपको सुनाते हैं। तो मैं अपने ट्रांसलेशन और बिजनेस और सारी चीजें के लिए तैयार हूँ, सब निकालिए, लेकिन बाकी जिनके साथ भी फोटो है वो सारे ट्रांसलेशन परांच में साहब निकालने बोलेंगे क्या? थाने कर होने के नाते, एक सामान्य खासदार होने के नाते, एक प्रवक्ता होने के नाते वो बोलेंगे क्या? पुलिस को मांग करेंगे क्या कि जितने भी लोगों के साथ ट्रांसलेशन हुआ है, चाहे वो गैंगस्टर हो, चाहे वो क्राइम क्रिमिनल हो, उन सबका निकालेंगे? अरे बीजेपी के साथ दोगे तो आपको गैंगस्टर से संबंध हो, आप मर्डर वालों से संबंध हो, आपके क्रिमिनलों से संबंध हो, आप खुद क्रिमिनल क्राइम कर रहे हो तो भी आपको चलेगा। आपके ऊपर कई कुछ भी क्राइम हो, आप बीजेपी में आ जाओ, वॉशिंग बॉर्डर निर्मा। लेकिन अगर आप उसके अलावा किसी भी अपोजिशन पार्टी से ताल्लुक रखते हो, चाहे शरद पवार साहब गट हो, चाहे शिवसेना के उदय ठाकरे गट हो, चाहे आप पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, आपको तैयार रहना पड़ेगा। ED, इलेक्शन कमीशन, इनकम टैक्स, क्राइम, झूठे आरोपी, तड़ीपार, छोटे गुना, महिलाओं के ऊपर गलत नजर डाला, हाथ डाला, ये प्रकरण चालू है। जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे जी की सरकार गई है, तब से सेलेक्टिव लोगों को टारगेट करके बड़े बड़े गुनाहों में डाला जा रहा है। आपको मैं छोटे से 2-3 उदाहरण देता हूँ। ये देखिए, 23-2 को मैंने माननीय शरद पवार साहब और देश अपने महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री, गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, चीफ मिनिस्टर, कमिश्नर, सबको पत्र लिखा 23-2-2023 कि मैं शरद पवार साहब का कट्टर समर्थक हूँ और मैं शरद पवार साहब और जितेंद्र अवार्ड साहब के गट का हूँ। आने वाले वक्त में मेरे पे, मेरे परिवार के ऊपर हमला हो सकता है, कई खोटे गुना डाल सकते हैं, मुझे कुछ भी, हम पे कोई ऐसी चीजें हो जाए जिसके ऊपर आप आश्चर्य नहीं है। लेकिन पुलिस विभाग अपने फर्ज अदा करके जो जो फैक्ट है वो करे। ऐसा पत्र मैंने पानी पवार साहब से लेकर सभी डिपार्टमेंट को दिया। लेकिन आप उसके बाद देखिए, आपको आमदार के खिलाफ जब कोटे गुना दाखिल हो सकता है तो हम कुछ नहीं है। जब इस मिनिस्टर, देश के नेता, महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता जितेंद्र अवार्ड सबके पास इंक्वायरी किए बिना 15 मिनट में FIR दाखिल हो सकती है, और FIR के ऊपर FIR थाने के कार्यकर्ताओं के ऊपर, राजकीय कार्यकर्ताओं के ऊपर तड़ीपार लाइन से निकाला जा रहा है, तो फिर आपको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप हमारे साथ आओ,
और वॉशिंग पाउडर निर्मा के मैं आके आप कुछ भी क्राइम करो, आप क्रिमिनलों के साथ ताल्लुक रखो, मर्डर करने वालों के साथ ताल्लुक करो, खून करो, आप लोगों को ब्लैकमेल करो, आपने कितना भी बड़ा घोटाला किया हो, आपको कोई सवाल नहीं करेगा। अगर आप विरोधी हो तो आपने अगर चींटी को भी नुकसान पहुंचाया तो आपको आपके पूरी पूरी जिंदगी का बैटर देना पड़ेगा। देखिए राजकारण में इल्जाम लगाया जाता है, हम उसके लिए तैयार है। आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है हम में से कई लोगों के ऊपर खोटे गुनाह हो, हम में से कई लोगों पर तरीपार किया जाए, उसके लिए तैयारी है, लेकिन हम शरद पवार साहब को नहीं छोड़ेंगे। हमारा स्टैंड है जो भी इस देश को तोड़ने वाले राजकारण लोग, जो भी भाजपा के साथ गए वाले लोग, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके लिए हमको मालूम है कामयाजा भुगतना पड़ेगा, हमारी उसकी तैयारी है। आप ये देखिए जो चैनलों ने बेतहत जिन लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया, पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाया, मैंने उनको नोटिस भेजा, ये नोटिस की कॉपी, ये नोटिस की कॉपी है, उसके ऊपर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दाखिल किया, ये देख सकते हैं आप, 100 करोड़ रुपए। मेरे साथ मेरे पक्ष के जो बदनामी किए जा रहे हैं, माजी विरोधी पक्ष नेता, वाजी विरोधी पक्ष नेता, उसके साथ ये नोटिस भेजो। जो फैक्ट है वो लोगों के सामने आना चाहिए। मेरा एकदम क्लियर स्टैंड है, ड्रग्स के मामले को आप छुपाना चाहते हैं क्या? जो मेन पेडलर है, जो मेन सप्लायर है, वो थाना में घूम रहे, कलवा मुमरा थाना में घूम रहे, उनका क्या? उनको नहीं करके आप छोटी मछली करके राजनीतिक लोगों का नाम डाल के इससे मिसगाइड करना चाहते हैं पूरे मामले को। मैं एक थानेकार होने के नाते, महाराष्ट्र होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, एक देश का, मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि बड़े पेडलर लोग जो मेन उनसे संबंध रखते, उनको क्यों नहीं लाया जा रहा है? उनको छोड़ के आप पॉलिटिकली लोगों का नाम करके आप न्यूज में दिखा के ये मामले को दबाना चाहते हैं क्या? इन्वेस्टिगेशन टीम से, मेरे तो गृह विभाग से और सेंट्रल गृह विभाग से यही मांगनी है कि इसमें मेन पेडलरों को छोड़ा जा रहा है शायद, और छोटे छोटे लोगों का, राजकारण लोगों का नाम लेके उसको क्लोज करा जा रहा है, यही मंशा है क्या आपकी? इसीलिए मैंने खास ये नोटिस भेजा, इसके जवाब बना, साथ ही में मैंने पुलिस स्टेशन में तकरार दाखिल की, तकरार भी दाखिल किया, क्रमांक 500 क्रमांक गुना दाखिल करने के लिए किया, ये है उसकी कॉपी, इसके साथ अटैच करके, ये सब सुबह से ही मैंने करके लिया। ये अगर इसका खुलासा नहीं किया गया तो क्रिमिनल ऑफेंस के आधार पे भी हमारे एडवोकेट ने कहा है गुना दाखिल होगा, मानहानि तो होगी। तो आपने हमारे पक्ष सुप्रिया ताई अवार्ड साहब, मेरा साहब, विरोधी पक्ष नेता शानू पठान, विरोधी पक्ष नेता शानू पठान, उसके करे ड्रग्स सापड़ला ऐसे कहीं करके पत्नी दिखाए, तो जिसकी वजह से मेरे परिवार, मेरे बच्चों पे लोगों को, उनको फोन आ रहे, मेरे बच्चों पे, मेरे परिवारों को लोगों के फोन आ रहे, मुझे महाराष्ट्र से कई लगा से फोन आ रहे कि ऐसी क्या घटना हुई। तो आप हमारी इज्जत को बदनामी करना चाहते क्या? यही आपकी मंशा है? क्यों नहीं आप इतने बड़े बड़े आंदोलन करते और सारी चीज क्यों करते? आइए बड़े पटनालों के ऊपर करिए बात। आप ये देख रहे हैं कि थाने में कितने रेट परसेंट गुना बढ़ गया है, क्राइम कितना बढ़ रहा है, ड्रग्स माफिया खुलेआम घूम रहे, क्योंकि जो सत्ताधारी के पक्ष के लोग है उनके ऊपर ही आप आशीर्वाद दो और उनको हमारे पार्टी में ले लो तो आपके ऊपर गुना दाखिल नहीं होगा। क्रिमिनल होके हौसला बुलंद हो रहा है, और छोटी छोटी जो कार्यकर्ता है, जो नगर सेवक है, जो विरोधी पक्ष नेता है, उनको बोलो हमारे साथ आ, नहीं तो तेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे,